और ना बाबागंज में कोई असर है ना कुंडा विधानसभा में कोई असर है। और धमकियां तो देने का उनका बहुत पहले से कार्य रहा है, वो धमकी देके ही तो वोट आज तक लिए हैं और उसी के भरोसे रहते हैं। और विकास के नाम पर जो है ना वो वोट कभी मांगे हैं और ना मांगने की हिम्मत जुटा पाते हैं वो, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर कोई आज तक विकास उनका हुआ ही नहीं है। अगर विकास हुआ है तो यहाँ पे केवल शराब का हुआ है, अगर विकास हुआ है यहाँ पे तो केवल भ्रष्टाचार का हुआ है, अगर विकास हुआ है तो किसी को परेशान करने के लिए और प्रधानों के जो है खाते सीज होने का हुआ है। और विकास की परिभाषा ये लोग सिर्फ नाली और खनिजे तक सीमित रखते हैं, जबकि विकास की परिभाषा ये नहीं हो सकती है। विकास की परिभाषा के लिए जो है अगर हमारे घर का बच्चा जो है दहलीज डाकता है तो उसे एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, विकास इसको कहते हैं। विकास ये है कि अगर हमारे घर में अगर स्वास्थ्य संबंधित किसी को अगर कोई परेशानी है तो अगर वो घर से निकले तो उसे एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये विकास होना चाहिए। विकास ये है कि अगर हमारे नौजवान युवा साथी हमारे भाई अगर वो जो है डिग्री लेके जो है कॉलेज से निकलें तो उनको एक रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी विकास की परिभाषा सिर्फ शराब तक सीमित है। और अगर अभी देखा जाए कुंडा और बाबागंज की स्थिति इतनी बदहाल है, इसको लोग जो है पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सिर्फ शराब के नाम से जानते हैं कि यहाँ पे शराब के माफिया बैठे हैं, वो भी सिर्फ एक जात विशेष के लोग हैं और अन्य कोई लोग नहीं है, सिर्फ एक जात विशेष के द्वारा ये मुहिम चलाई जाती है, गंदी शराब बनाई जाती है, लोगों को पिलाई जाती है और उनका पूरी तरीके से शोषण किया जाता है। आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने की, आने वाली नस्ल को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे रची जा रही है कुंडा और बाबागंज विधानसभा में। और रही बात चुनाव की, तो आज हम इस स्थिति पे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ के सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ में है और खास करके प्रबुद्ध समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में आ चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर पूरी आस्था और विश्वास जताते हुए 2022 में हम लोग पुनः आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, दिनांक 24 फरवरी दिन बृहस्पतिवार समय 12 बजे माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन छुंगा बाग में हो रहा है। आप समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है, आप भारी से भारी संख्या में पहुंचकर अपने महबूब नेता अखिलेश यादव जी का, इंद्रजीत सरोज जी, बहन पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत कर अपनी आवाज़ बुलंद करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, गुलशन यादव जिंदाबाद, गिरीश पासी जिंदाबाद, छविनाथ यादव जिंदाबाद।